Now I am going to Tirupati Balaji Mandir. Let's go off platform number 2 में जाना है. देखो स्टेशन में लोग लोग कोई है नहीं. ट्रेन आ गई, चलो ना. Now I reach on Tirupati. So वो जो आगे पार देख रहे हो उस पार पार से चलना पड़ेगा, right? Hello, good morning. कैसे हो? Hopefully आप लोग अच्छे हो जाएंगे, right? तो आज है 31st अक्टूबर. सो नाउ आई एम गोइंग टू तिरुपति बालाजी मंदिर. सो यहाँ से मैं जहाँ तक भी पहुँच जाऊँगा, मतलब जितना भी देर का है वो वीडियो बनाऊँगा, राइट गाइस. अभी सुबह का 5 बज गया, तो देखो अभी मैं आलंदूर मेट्रो स्टेशन में पहुँच चुका हूँ. और यहाँ से सेंट्रल, चेन्नई सेंट्रल एक रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर पहुँच के क्या करूँगा, फिर दोबारा ट्रेन पकड़ना है वहाँ से फिर तिरुपति बालाजी के लिए. तो राइट, तो उसके बाद मेरा टिकट कंफर्म, मेरा टिकट बुकिंग कर लिया था वो कंफर्म भी हो गया. एंड देन तो आज शायद 9 बजे तक पहुंचने का हुआ है, तो 6:25 में वहाँ पर मेरा ट्रेन का क्या है डिपार्चर का टाइम है. तो देखते हैं भाई, आप लोग जहाँ तक भी आज होगा मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा. अगर थोड़ी वीडियो लंबी हो गई तो और दूसरा पार्टी बनाने का कोशिश करूँगा, राइट. तो चलो अब मेट्रो स्टेशन चलते हैं और तिरुपति बालाजी की जय. चलो लेट्स गो. 3 रुपीज का टिकट होता है सेंट्रल भाई, सेंट्रल. ओके, थैंक यू सो मच. राइट, सो चलो खुल गया. तो अभी स्टेशन पहुंच जाते हैं. नहीं, मैं आपको ये मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सुबह 5 बजे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. वेट करते हैं 4 मिनट्स का टाइम, वेट दिखा रहा है. 4 मिनट्स के अंदर अंदर आ जाती है. 5 बजे से तो स्टार्ट बिल्कुल हो ही जाती है. यहाँ पर देख लो स्टेशन में लग लग कोई है नहीं. ट्रेन आ गई, चलो फटाफट. अरे भाई आज तो पूरा खाली है रे ट्रेन तो. मॉर्निंग टाइम में कोई भी है नहीं, तो खाली होने का ऑब्वियसली चांस हो जाता है. लेट्स गो. ओके राइट, सो आज पूरा कोई नहीं, खाली है पूरा ट्रेन में. तो चलो अब यहाँ पर बैठते हैं, चेन्नई सेंट्रल के लिए निकल जाते हैं. मॉर्निंग टाइम है ना, बिल्कुल बिल्कुल भी खाली. मैं आप लोग इधर दिखाता हूँ, इधर देखो, इधर बिल्कुल खाली है. इधर में ऑलमोस्ट पूरा ही खाली है, राइट. तो 20-25 मिनट लग जाती है, 20-25 मिनट के बाद मैं पहुँच जाता हूँ. उसके बाद टाइम तो है भाई, मैं जल्दी आया था. तो चेन्नई का मेट्रो स्टेशन आपको 5 बजे से, सुबह 5 बजे से पूरा करने स्टार्ट हो जाएगी. मैंने आप लोगों को दिखा भी लिया, राइट. तो अभी चलो थोड़ी देर कर दें, पूरा अंधेरा अंधेरा में अकेला हूँ. मुझे लग रहा था मैं लेट हो जाऊँगा, बट टाइम में पहुँच गया ऐसा लग रहा था. लेकिन भले तो टाइम में चला था मैं, ठीक है. तो क्या है, मेट्रो में ऑलमोस्ट 25 मिनट्स तो मेट्रो में बैठना पड़ता है, जहाँ पर आलमदूर से लेकर सेंट्रल तक आने के लिए, राइट. तो पता नहीं अभी यहाँ पर कितना मंजिला है, 2-3 मंजिला है यार, पता नहीं यार. 2-3, एक सबसे नीचे से आया, फिर अब ये वाला, फिर इसके बाद फिर और एक ऊपर, इसके बाद फिर और एक ऊपर. कितना चलेगा रे भाई, कितना अंडरग्राउंड बनाओगे भाई. सो नाउ आई रीच इन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन. ऑलराइट गाइस, ओ यहाँ पे पूरा अभी एकदम उजाला भी हो चुका है. तो अभी थोड़ी देर यहाँ पर बैठते हैं, और उसके बाद जैसे क्या होता है 6:25 में, अभी 5:45 हो गया ऑलमोस्ट. आप लोगों को लगाओ 40 मिनट्स बचा हुआ है, 40 मिनट्स में पहले यहाँ पर क्या हो गया, पहुँच चुका है. तो बाकी सुबह का सुबह है ना, मतलब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि एकदम चिल मौसम लग रहा है. लेकिन भाई यहाँ पर ट्रैफिक तो सुबह भी मतलब ऐसी की तेज़ी हालत है, हैं. रात में तो हो जाती है, लेकिन सुबह का ट्रैफिक भी ऐसी ही है, थोड़ा कम चलेगी रात पर शाम के टाइम से. तो बट हालत तो वही है, कुछ रोड क्रॉस करना है तो सोचना ही पड़ेगा. तो ये कुछ लोकल रेलवे स्टेशन का है. तो बाकी ये चीज़ मैं आपको बता दिया, यहाँ पर है ना स्टेशन है.
ये चेन्नई के स्टेशन है। 16057 625 प्लेटफॉर्म नंबर 7 में लग चुकी है। प्लेटफॉर्म नंबर 7 इज दिस। हाँ यस 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 प्लेटफॉर्म नंबर 7 इज नाउ आई जस्ट सीन। तो लेट्स गो प्लेटफॉर्म नंबर 7। भाई सुबह सुबह अभी इतना ज्यादा भीड़ है ना, पूछो मत यार, इतना ज्यादा भीड़ है सुबह का। सुबह का अभी 6 बज गया, सुबह का 6 बजे भी इतना ज्यादा भीड़ है। शाम के टाइम में क्या होगा, तो एकदम बहुत लंबा ट्रेन होता है ना उस टाइम में, तो इतना भीड़ होता है पूछो मत, पूछो मत। अरे भाई ट्रेन तो लग चुकी है रे, मैं तो लेट हो गया रे। भले ही मतलब ट्रेन पहले लग चुकी होगी, मतलब यहाँ पर जाने का टाइम तो वही होगा। 16057 राइट्स। तो MGR चेन्नई सेंट्रल टू तिरुपति बालाजी राइट्स। तो लेट्स गो, शाम को हो सके तो इसी ट्रेन में क्या आ रहा होता हूँ, वापस आने का जरूर कोशिश करूँगा। देखते हैं शाम तक पहुँच जाएंगे या नहीं पहुँच जाएंगे, कोई आइडिया नहीं, बट लेट्स ट्राई टू रीच इन एट अ इवनिंग टाइम। रेणीगोंटा, जगह का नाम क्या है, रेणीगोंटा है। तो वहाँ पर कुछ लिखा है रेणीगोंटा। तो अब यहाँ से कितना देर लगेगा आई डोंट नो, मतलब जस्ट 1 मिनट लेट चल रहा है ट्रेन, बाकी तो टाइम पे चल रहा है। बाकी इस तरह का अपना ट्रेन है, तिरुपति पहुँचते पहुँचते कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, टाइम में पहुँच जाए और शाम को टाइम में आ जाए। ऑलराइट गाइस, फाइनली नाउ आई रीच इन तिरुपति। सो अब यहाँ से चलना पड़ेगा बाई बस। तो बाई बस के लिए मैं यहाँ पर क्या जाता हूँ, बस स्टेशन जाता हूँ। बस स्टेशन से जहाँ भी हो जाता है देख लेते हैं। आई थिंक कुछ लोग तो इधर भी चल रहे हैं राइट, कुछ लोग इधर चल रहे हैं। तो मैंने पूछा था अभी, मतलब यहाँ आगे जाके बस स्टेशन मिल जाएगा, बस स्टेशन से देन यू कैन गो टेम्पल थ्रू बाई बस, ओनली फॉर बाई बस है और कोई बाकी ऑप्शन नहीं है। लेट्स गो फॉर बाई बस। अब यहाँ से बस ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पर एक क्या है, आते ही आप लोगों का एक स्टेशन है राइट, तो एक तिरुपति स्टेशन है रेलवे स्टेशन। एंड देन आप क्या कर सकते हो, आते ही आप लोगों का क्या है, यहाँ पर एसी बस लग जाएगी, नॉन एसी बस भी लग जाएगी, बट एसी का आपको 110 रुपीज एंड नॉन एसी रुपीज 90 रुपीज जस्ट फॉर गोइंग सिंगल है ना, मतलब वन वे नॉट अ टू वे है ना। आते वक्त आपको अलग अलग करना पड़ेगा। होपफुली देखिए इस बस में सीट है या नहीं है, सीट है तो राइट चलते हैं। सर दिस बस इज फुल सर, लेट्स गो सेकंड बस। चलो दिस इज इलेक्ट्रिक बस यार, ओके आई चूज फॉर विंडो सीट राइट। चलो विंडो सीट चेक करते हैं और उसके बाद जाते हैं। दिस इज एसी बस, सो एसी बस में देखते हैं कैसे कि सब लोग बैठ चुके हैं राइट। तो चलो यहाँ पर बैठते हैं, किसी भी विंडो सीट में बैठना पड़ेगा राइट। कैन आई सीट सर, यस नो अच्छा सर, ओहो थैंक यू। तो फिर चलो यहाँ पर बैठता हूँ या आप यहाँ पे बैठता हूँ, ठीक है इट इज़ गुड। क्या है ना यहाँ से आप विंडो सीट चूज करने का मेन मकसद क्या होता है कि यहाँ से मैं आप व्यू देखा पाता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो विंडो सीट चूज करना बहुत जरूरी है। अभी हम यहाँ से फाइनली तिरुपति से तिरुमलाई जो मंदिर का नाम है, तिरुपति से लेकर तिरुमलाई तक हम यहाँ से निकल चुके हैं। तो भाई मैं एसी बस में बैठा हूँ, आप नॉन एसी में जा सकते हो, हाँ और एक कार भी बुक कर सकते हो राइट। तो अपना अपना चॉइस है ना, तो मुझे एसी बस में जाना अच्छा लगा क्योंकि थोड़ा विंडो सीट ले लिया ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा अच्छा व्यू भी दिखा पाऊँ और मंदिर में क्या होता है। जहाँ तक मेरे को अगर मोबाइल ले जाना देंगे, मोबाइल अलाउड है ना, तो वहाँ तक ले जाके आप लोगों को वीडियो जरूर से जरूर बनाने की कोशिश करूँगा राइट। तो चलो और फिर यहाँ से कुछ इस तरह का है, तो चलो मंदिर की तरफ चलते हैं और आप लोगों को कुछ अच्छे अच्छे व्यू मैं दिखाने का जरूर कोशिश करूंगा। वो जो आगे पहाड़ देख रहे हो उस पहाड़ से चलना पड़ेगी राइट। तो वो वाला पहाड़ है, इस पहाड़ से चल देखा है मैंने वीडियोस में देखा हूँ राइट। अभी जाके देखते हैं उस पहाड़ों में कहाँ 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 कैसे कैसा हो जाता। चलो भाई हाँ यहाँ से पहाड़ी शुरू हो जाएगा, ऐसे है पहाड़ भाई, पीछे सीट में हो यार बड़ा टेंशन हो रहा है। अब यहाँ से पहाड़ी शुरू, देखो पूरा पहाड़ी पहाड़ी है। चलो भाई ऊपर ऊपर बस भी जा रही है, देख लो
मैं तो पहाड़ सोच रहा था, पता नहीं ये तो कौन सा रास्ता ले गया, पूरा सीढ़ी वाला रास्ता ले गया है। कहाँ ले गया है? अंदर घुसा पूरा, पता नहीं कैसे कैसे रोड में लेके आया रे। मैं तो पहाड़ सोच रहा था,